موسوعة یا رحمة للعالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه ममान हाकुम अन्हू फंतहु सदक अल्लाहु अल्ला अल अज़ीम इब्तदा है अहकमुल हाकिमीन की अजीम जाते वाला तीबार पर लाखों सुजूद के साथ जिन्होंने अपनी रहमत की सूरत में जनाब रसूल अक्रम कायन को अता फरमाए अरबहादरूद सलाम का नजराना सैद आलम की जाते वाला तीवार पर जिनका इरशाद फरमाया गया हर हर्फ रोशनी है हर हर्फ इज़्ज़त और तस्किन है इंतहाई ज़ीवकार नाजरीन रमज़ान करीम की बबरकत सातों में ज़्याद राह के साथ हम अपनी रूहानी और जिसमानी बलीदगी जो तकवा का ज़्यादा राह है हम हासिल कर रहे हैं ए आर वाई क्यू टी वी के प्लेटफॉर्म से सैद अतीको रहमान की तरफ से तमाम की खिदमत में असलकुम वरह वक् आज एक और बड़ी अहम नशिश के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ हम जिस दुनिया में जीते हैं यहाँ पर बहुत से मामला ऐसे हैं जिनके बारे में हमें ये पता है कि इसे खैर कहते हैं इसे शर कहते हैं और कुछ चीज़ें हमें तशकीक में भी मुबतला करती हैं यानी कि इजतबा में डालती हैं तो क़ुरान पाक ने हमें एक मुकम्मल पैटर्न अता फरमा दिया फरमाया वमा अताकुम रसूल फख जिस चीज़ का रसूल अक्रम हुक्म दें उसको पकड़ लो वमा न हकुम अन और जिससे रसूल अक्रम हुक्म दें कि दूर हो जाओ और उसको छोड़ दो यानी कि जिसके बारे में हजूर का अमल भी हो और हजूर का कौल भी हो, हजूर का हुक्म भी हो और हजूर की ज़िंदगी का तवातर मामला भी हो उसे पकड़ लीजिए और जिससे हजूर मना कर दें उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दीजिए हदीस रसूल में सैदल व्ल् ने इर्शाद फरमाया माँ नही तो कुमान हो फज तबी हो व माँ अमर तो कुम भी फ तू मिनहूँ यानी कि इसकी वजात हज़ू ने कितनी खूबसूरत इरशाद फरमाई फरमाया कि मैं तुम्हें जिस काम से मना करूं उससे बाज रहो और जिस काम का हुक्म दूँ उसे बदरे इस्तेतात बजा लाओ क़ुरान में तो वाज़े हुक्म दिया ना कि जिस चीज़ को कहें पकड़ लो बस पकड़ लो जिस चीज़ को कहें छोड़ दो तो बस छोड़ दो लेकिन यहाँ पर कहा कि जिस चीज़ को कहूँ छोड़ दो तो उसे छोड़ दो और जिसे कहू पकड़ लो उसे हसबे इस्तेदी रसूल में है कि सैयद की तरह सिबा ने पूरा पूरा दिन रोजे रखने शुरू कर दिए इबादत शुरू कर दी तो रसूल अक्रम ने बुला के कहा कि रोजों का हुक्म है इबादात का हुक्म है लेकिन क्या आप मेरी तरह हो सकते हो जिसे पिलाता भी खुदा है जिसे खिलाता भी खुदा है इसलिए जितनी इस्तेत है सिर्फ उतना मामला करना है कुर्बान जाएं दो जहाँ के वाली की जिंदगी के एक एक हरफ से रोशनी और नूर मेरे और आपके लिए फूट रहा है और कलूब अजहान आज भी मुनवर हो रहे हैं और कयामत तक ये अनोार और तजल्त मेरे और आपके आने वाली नस्लों पर भी यूं ही बरसते रहेंगे इसलिए हुजूर ने जो भी हुक्म इरशाद फरमाया उसको पकड़ लेना है और जिससे आपने मना किया उससे दूर रहना है जब काम अदा करना है तो हसब एतात अदा करना है इस्तात अदा करना है और जब रुकना है तो कामिल रुक जाना है इसी तरह सैद आलम सल सम ने इसी हदीस में और ये मैं आपके सामने इकतबासज़ करने लगा हूँ इर्शाद फरमाया कि मेरी जात के सामने ज़्यादा सवाल करने से इजतनाव करो इसकी रिवायत यह है कि जब सैद आम सल व्म ने इर्शाद फरमाया कि अकमुल हाकिमी ने हज फ़र्ज कर दिया है तो के सिहाज की आका क्या हर साल फर्ज है हजूर खामोश रहे और कुछ देर तवकफ़ के बाद इर्शाद फरमाया मेरे प्यारे सिहाबा अपने जान से अजीज आका के सामने ऐसे सवाल ना किया करें कि अगर मैं हर साल का लफ्ज़ बोल देता अगर मैं हर साल का इकरार कर देता तो अल्लाह हज हर साल ही फ़र्ज फरमा देता यही आपका तहजद के बारे में भी है कि मैं सबकी इस्तात को जानता हूँ और अगर एलानिया इस तरह तहजद करता तो तहजद भी फर्ज हो जाती और इसी तरह इशाद फरमाया कि अगर हज के लिए मैं कह देता हर साल नाम हर साल हाँ हर साल तो अल्लाह पाक से फर्ज फरमा देते मतलब ज्यादा सवाल भी नहीं करने और हजूर की इताते कामिल करनी है कुरने पाक में अकमल के मेरी इर्शाद फरमाते हैं कुल अति वती रसूल देखिए कितनी खूबसूरत मेरे रब ने तरकीब बयान फरमा दी कहा कि अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो और ख़ुद नहीं कहा अपने हबीब से कहा फरमा दीजिए अल्लाह की भी अतात करनी है और रसूल की भी अतात करनी है लेकिन जब मैं कुरने पाक का मुताला कर तू करते करते कुरने पाक के पाँचवें पारे में पहुँचूँ और ये पढ़ूँ कि रब ने इर्शाद फरमाया ममाई युत रसूल फ़खर अता तो मुझे मोहब्बत अपने मराज पर नज़र आती है मुझे अब्द और मबूद का ताल्लुक जो है वो अपने मेराज पे नज़र आता है फरमाया सुनो जिसने मेरे नबी की अताद की गोया उसने अल्लाह की अताद की मतलब अब्द और मबूद का वो ताल्लुक़ खातिर जो मेरे और आप की छोटी सी और कमज़ोर सी अक़ल में नहीं आ सकता रब ने बयान फरमा दिया और इससे आगे बढ़ के तीसरे फार में फरमाया ए, मेरे हबीब फरमा दीजिए इनको कुल इनकुन तुम तो अल्लाह फता अगर तुम मेरे साथ अल्लाह के साथ हकीकी मानू में सच्ची मोहब्बत करते हो फि ओनी मेरी ए करो पहले में हुक्म दिया अल्लाह और उसके रसूल की एतात करो दूसरे में कहा जिसने रसूल की अतात की उसने अल्लाह की अतात की और इधर फरमाया जो अल्लाह से मोहब्बत करता है उसने रसूल की एतात करनी है, है मेरे अल्लाह अगर आपके रसूल की अतात करेंगे तो क्या अजर नसीब होगा फरमाया फत भी ओनी युब बिबकुमुल्ला विरकुम जोनूबुम वल्लफ़ूरहम जो सही मानू में रसूल अक्रम की इताद करेगा वो ख़ुशस्मत है जो अल्लाह से महब्बत करता था और अल्लाह की महब्बत और रज़ा में मेरे नबी के तबाह करता है उस खुशकस्मत को पैगाम दे दीजिए ये पैगाम जहाँ फ़ा उस खुशकस्मत तक पहुँचेगा वो दुनिया में पहुँचे या आखरत में पहुँचे ये पैगाम कुरान हकीम कहता है उसका मुकदर ठहरा कि अल्लाह ऐलान कर रहा है जो मेरे नबी की अतबा करता है एताद करता है मैं रब हो के उसके साथ मोहब्बत का ऐलान करता हूँ मैं रब होके उसके साथ मोहब्बत का ऐलान करता हूँ और सिर्फ ऐलान मोहब्बत नहीं है फरमाया उसके सारे गुनाह भी माफ़ करने का ऐलान करता हूँ और सिर्फ गुनाह माफ करने का ऐलान नहीं है वल्लाहु वल्लफ़ूर रहीम क्या जानो कि उसकी रहमतें क्या हैं क्या जानो कि उसके करम क्या हैं क्या जानो कि उसके फजल क्या हैं वो तो आंख के एक बाल की गवाही पर भी जिंदगी भर के गुनाह माफ़ फरमा देता है इंतहाई सी वकार नाजरीन हमें रमजान करीम की ये बरकतें जो नेकियों का एक सुहाना मौसम है नेकियों की बहार है इसमें अपने खाली दामन को यूं भरना है जैसे आसमान से बारिश उतर रही हो और हमारे सहन में भी उसके पानी के कतरे गिर रहे हों और अगर सहन में ऊंधे मुंह कोई बर्तन पड़ा होगा तो क्या उसके अंदर बारिश का पानी जा सकता है सारी रात बारिश होती रहे उसके अंदर बारिश का पानी नहीं जा सकता अगर चाहते हो कि उसके अंदर कोई बारिश का पानी जाए तो उसको सीधा कर लो उसको सीधा करोगे तो आसमान से उतरने वाली बारिश के पानी पहले सारी रात होती रही और वो ऊंधा मुंह पड़ा रहा उसे कोई फायदा नहीं हुआ अब सिर्फ चंद लम्हे एक थोड़ी सी फवार गिरी और उसका एक कतरा भी उसके अंदर चला गया तो मकसूद हयात मुझे और आपको नसीब हो जाएगा तो यह पैगाम है रसूल अक्रम जिस चीज का हुक्म दे वो करना है और हसब करना है और जिस चीज़ से रोकते हैं उससे कामिल रुक जाना है आपकी जनाब में ज़्यादा सवाल भी नहीं करने और आपकी इतात ही हकीकी मानू में रसूल अक्रमली व्म की इतात ही अल्लाह की इतात है मैं जब दीन इस्लाम की तारीख़ को पढ़ता हूँ तारीख़ इस्लाम में जाता हूँ ऐसी ऐसी मुझे नायाब शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने एतात रसूल पर अपना सब कुछ, कुछ कुर्बान कर दिया हज़रत उम्मे आमिर का वाकया जब निगाहों से गुजरता है कि जिनके वालद ग्रामी मरतबा भी मैदान में हैं जिनके शोहरे नामदार भी मैदान अहद में हैं जिनके साहबजादे भी मैदान अहद में हैं और वह अपने घर से निकले और उन्हें पता चले सबसे पहले कि आपके वालद ग्रामी मरतबा इस जहाँ से कूच फर मागे उन्होंने कहा बाबा का ना बताओ मुझे दो जहाँ के वाली सैयद आलम का सुनाऊ हजूर कैसे हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो उन्हें पता चले कि आपके शोहरे नामदार शहीद हो गए टुकड़े हो गए कहा कोई परवाह नहीं है मुझे सैयद जहरा के बाबा का बताओ मेरे आका कैसे हैं फिर उसके बाद आगे बढ़े तो आपको पता चले कि आपके बेटे भी शहीद हो गए कहा बाप है बेटा है भाई है मेरा शोहर है सारे के सारे रसूल अक्रम के कदमों पर कुरबान कर दिए उम्म आमर को ये बताओ दो जहां के वाली कैसे हैं सैद आलम कैसे हैं सरकारें दो जहां कैसे हैं सरूर कल वो सीना पैके दिलरबा कैसे से हैं अन्नबी जुल मक्की जुल्मार अनबी जुल मक्की जुल मदनी जुल करशी जुल हाशमी जुल उम्मी जुल मुतलबी कैसे हैं वो जिनकी इताद फ़र्ज है उनके लिए ही जीना है और उनके नाम पर ही कुर्बान हो जाना जिंदगी का मकसूद है और वही इज्जत पाएगा जो उनके नाम पर कुर्बान होगा जैसे हज़रत इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तो ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं और एक और मकाम पर कलम ने जोश में आके कहात इश्क से हर पस को बाल उजाला कर दे दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसाबी वसल्लम तो आप उम्म आमर को पढ़ें या उम्म अमारा को पढ़ें वो उम्म अमारा जिसने सारे सहाबा के साथ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसाबी वसलमा के सामने यूँ बना लिया और वो डट के खड़ी हो गई अल्लाह की बंदी सामने से आने वाले तीर भी सीने पे बर्दाश्त किए तलवार भी बर्दाश्त की नेज़े भी बर्दाश्त किए लेकिन मेरे करीमा का सल्ला वसलमा पर एक कतरा सा भी हर्फ नहीं आने दिया ये वो कुर्बानियां हैं जो रसूल अक्रम की मोहब्बत में दी जाती हैं हजरत सैदुना अबू अबैदा जो कि अशरा मुबशरा से हाबी में से हैं जब रसूल अक्रमल व्म की पेशानी मुबारक पर पे कड़ा लगा तो आपने अपने दांतों से रसूल अक्रमली का वो कड़ा उतारा तो आपके सामने से दांत उतर गए गिर गए या कुर्बान हो गए मैं तो कहूँगा कुर्बान हो गए मैं, मैं शब्दों की प्यासी आपके जोक नज़र मैं शब्दों की प्यासी मैं चरणों की दासी कभी लब पे ढोला कभी माहिया है मैं रातों को कोयल की मानद कूँ कभी लब पे ढोला कभी माहिया है तो आपने इस तरह जब कुर्बानी दी तो सिबा कहते हैं कि सामने से किसी के भी दांत उतर जाएँ तो बड़े बदी और अजीब लगे लेकिन अबू अबैदा ने हजूर की इतात में वो कुर्बानी दी अल्लाह ने उनको भी हुसन से ए रास्ता फरमा दिया और हुसन आराई बन गई और आपके वो सामने वाले दांत आपके हुसन और ख़ूबी में इजाफे का बायस बने अब यहाँ पर मैं एक बड़ा अहम नुकता आपकी खिदमत में अर्ज करके अपने पूरे मज़मून की कंक्लूजन की तरफ जाऊँगा कि यह जितनी भी इतात की बात हो रही है क्या ये हमने अफ के साथ करनी है लंबी लंबी तकरीरें हैं तो हम एतात में हैं नहीं नहीं जीवकार नाजरीन अफआल के साथ नहीं करनी ये सही मानू में प्रैक्टिकल करना है ये अमल के साथ करना है और सही मानू के साथ करना है अगर आप अमल के साथ एतात को बजावर ले आएंगे फिर ही आपको हकीकी कामयाबी नसीब होगी मतलब क्या हुआ कि अमल के साथ इताद कैसे करनी है ये सवाल कैसे हमारा हल होगा हमें इस सारे सवाल की अपनी ज़िंदगी में से किस तरीके से कोई रोशनी नसीब होगी तो आए मैं आपके सामने एक और अशरा मुबशरा से हाबी का कर जिक्र करता हूँ हज़रत सैदुना रहमान बिन औफ़ रसूल अक्रमली की एतात और फर्मा बरदारी में मेरे नबी ने जितनी दफ़ा बुलाया कि अब्दरहमान जाइए इतने हज़ार दिरहम लेके आइए दीनार लेके आइए इतने घोड़े लेके आइए इतने ऊँट लेके आइए और इसके बदले जन्नत लीजिए आप अपने दुनिया के माल को कुर्बान करते जाते करते जाते करते जाते और जन्नतुल जन्नतफ़रदोस के हकदार बनते आपकी शहज़ादी जनाब सैदा फ़ातमत ज़हरा सलामुल्लाह उल्ल ने हकीकी मानों में अमली इताद की दरवाज़े पे आने वाला भी खाली नहीं भेजा वो यतीम हो वो मस्किन हो वो गरीब हो खुद रोजे की कैफियत में हूँ कभी खाली नहीं भेजा कभी हो नहीं सका कि आजान हो और आपके दिल की धड़कन अल्लाह की मोहब्बत में तड़प ना उठे जनाबे मौलाए कायनात की ज़िंदगी पढ़े तो यही नज़र आता है लेकिन सिर्फ़ यहां तक नहीं रखा अपनी नस्ल को कयामत तक आने वाली नस्ल को सही मानू में बताया कि कुरान जब तक जिंदा रहेगा सैदाय को नैन की औलाद के सीनाए नूर में जिंदा रहेगा और कुरान पाक का पैगाम आम होता रहेगा मैं ज़्यादा राह के इस प्रोग्राम से आज का ये पैगाम आपके दामने इज़्ज़त में रखना चाहूँगा क्यों टी वी के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम आपके सामने इसी इरादे से है कि अहकमीन आला दुनिया और बेहतरीन आख़रत से नवाज के ज़िंदगी और हयात के तमाम आला मकसूद हमें अता फरमाए और हम जिस तरफ चल निकले हैं पूरी उम्मत को सही रस्ते पर चलने की तोफ़ी अता फरमाए तो ये जुमला है कि अहकमीन ने जिस तरह अपने प्यारे हबीब के अत का हुक्म दिया और वो हुक्म इस तरह पूरा होता है कि आपकी सुख भी उनके मुताबिक हो आपकी शाम भी उनके मुताबिक हो आपका जाहिर भी उनके मुताबिक हो आपका बातिन भी उनके मुताबिक हो आपका लिबास भी उनके मुताबिक हो आपके तिजारत के उसूल भी उनके मुताबिक हों मतलब अलगर्ज़ ज़िंदगी का हर हर लम्हा हर हर काम और हर हर अमल सैद आलम के कफ़े पाक व चूम के मुताबिकत में आ रहा हो और जो इस मुताबिकत में आता है दो जहाँ की इज़्ज़त हमेशा उसी का ही मुकद्दर रहती है अहकमुलहकमीन हम सब का नासिर हो और हमें तोफी के इज़्ज़त अता फ़रमाए ममा अलना अल्लबलामवी आईना